हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2 के बारे में। तो देखो, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 का, वो क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट देखो, कहता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। कहता है कि क्यू कोई एक पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट एक सर्कल की, ये मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया ओ। तो कोई कहता है कि कोई क्यू पॉइंट है, ये मेरे पास कोई क्यू पॉइंट हो गया, यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल, यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट मैंने डाल दिया, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट मैंने यहाँ से डाल दिया, क्या डाल दिया, ये मैंने डाल दिया पी, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल कितने गिवन आपके पास, ये कहता है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। आगे कहता है एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू टू सेंटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितने दे रखी है, 25 सेंटीमीटर आपको बोल रखा है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस क्या हो गई, ये वाली डिस्टेंस रेडियस हो गई, ठीक है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई, तुम्हें पता है, क्या पता है कि भाई कि जो ये मेरे पास कोण है ओ से लेके पी, ये परपेंडिकुलर होगा, कहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, क्या उसे लेके पी पे होगा, नहीं होगा, क्योंकि क्यों होगा भाई, आपने थ्योरम पढ़ी थी कि जो रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो देयरफॉर ट्रायंगल क्यू पी ओ इज ए, कैसी ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब इसके अंदर प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं यूज करूँगा कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या कहते थे, वो थ्योरम कहती थी कि आपके जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अब देखो 90 के जस्ट सामने कौन है, क्या वो इसका स्क्वायर, बेस क्या हो गया पी ओ इसका स्क्वायर, और ये हो गया क्यू पी इसका स्क्वायर, ये आपके पास 25 है, अच्छी बात है। ये मेरे को मालूम नहीं रेडियस निकाल रहा था, और ये कितने थे 24 का स्क्वायर, सोल आउट करूँगा तो 625 इज इक्वल टू, ये अपन निकाल रहे हैं, और ये कितना आएगा 576, प्लस का 576 इस तरफ आके, माइनस का 576 ये हो गया पी ओ का स्क्वायर, सोल आउट करोगे तो कितने बचे, ये आपके पास बच गया 49 पी ओ का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग रूट ले लेंगे, लेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये किसकी वैल्यू आ गई 7 की, तो रेडियस कितनी हो गई इसकी 7 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन था फर्स्ट। चल रहा है कि आपके पास है ना एक फिगर गिवन है, कहता है इन द फिगर टिप पी एंड टी क्यू आर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110, देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, पी टी क्यू एंगल कितना होगा। तो देखो, जो मेरे पास ये फिगर है, फिगर क्या है, एक ऐसा फिगर दे रखा है जिसके अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ पे कोई पॉइंट टी है, टी से एक टेंजेंट डाल दिया जिसका नाम है यहाँ पे पी, और यहाँ पे डाल दिया जिसका नाम क्या है क्यू, ठीक है, इसके साथ क्यू, और ये आपने इसको मिलाया, ठीक। अभी आपको क्या कहता है कि जो ये वाला एंगल है ना, ये 110 है, तो आपको एंगल कौन सा निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करोगे कि फाइंड द एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू ये वाला एंगल आपको बताना है कितने डिग्री होगा। तो देखो कैसे बताओगे, सबसे पहले तो मेरे को पता है इसका सॉल्यूशन करूँगा मैं, तो मेरे को एक बात पता है, क्या पता है कि भाई ये जो मेरे पास कौन होगा, ये मेरे पास ओ पी होगा, ये परपेंडिकुलर, ओ से पी परपेंडिकुलर होगा, पी से टी और ओ से क्यू परपेंडिकुलर होगा मेरा, टी से क्यू होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, ये दोनों मेरे पास परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे तो नाउ इन कोऑर्डिनेटर, इन कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर बन गया पी टी ओ क्यू, ये कोऑर्डिनेटर बन गया भाई। कोऑर्डिनेटर के एंगल्स का सम कितना होता है 360, इसका मतलब एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी ओ प्लस एंगल टी क्यू ओ, टी क्यू ओ प्लस एंगल पी क्यू ओ क्यू इज इक्वल टू 360। देखो, जिसके अंदर से मेरे को ये वाली एंगल तो निकालनी था, एंगल पी टी क्यू तो मैं निकाल लूँगा, ये मेरे पास 90 है, देन अगला भी मेरे पास 90 और ये 110 इज इक्वल टू 360, सोल आउट करूँगा तो एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू कितना आ गया 360 माइनस का
इन दोनों का सम हो गया 180, 180 में यहाँ पर ऐड करोगे 290, तो आपने इसको सोल्व आउट किया तो पी टी के वो कितनी डिग्री आ गया 70 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा 70 डिग्री का। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखो थर्ड क्या कहता है, थर्ड में कहता है द टेंजेंट पी एंड पी बी ऑफ द पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल द सेंटर ओ इंक्लाइंड विद द ईच अदर इज 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए क्या होगा। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ये मेरे पास सेंटर हो गया, सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। कहते हैं यहाँ पे कोई पी है, और पी है ना, पी पी क्या कर रहा है आपके पास, पी कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का ये एक टेंजेंट डाल दिया बी, और यहाँ पे पी से एक टेंजेंट डाल दिया ए, दो टेंजेंट हो गए, और इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया। और कहता है कि जो आपका एंगल है, एंगल कौन सा, जो आपके पास ये वाला एंगल है, कहता है कि एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आपको एंगल क्या फाइंड आउट करना है, आपको एंगल फाइंड आउट करना था, कौन सा एंगल फाइंड आउट करना था आपको, आपको एंगल फाइंड आउट करना था पी ओ ए, पी ओ ए ये कब आएगा, तब मैं इन दोनों को मिला लेता। इतना हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, ये जो मेरे पास फिगर है इसके अंदर अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा, तो आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है इसका सॉल्यूशन करोगे तो, कि जो भाई ओ से पी ये परपेंडिकुलर होगा पी से भी, और ओ से ए ये भी परपेंडिकुलर होगा ओ से ए किस पे, पी से ए पे होगा। क्या थी, रेडियस परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो आपने थ्योरम 10.1 पढ़ी थी। तो इन कोऑर्डिनेटर ए ओ पी बी, ठीक है, तो एंगल्स का सम करूँगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए बी पी, जोड़ूंगा तो 360। ठीक है, उसमें से मेरे पास इसकी वैल्यू इसने दे रखी थी कितनी है, 80 डिग्री। ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो इसका मतलब ये क्या आ गया मेरे पास, एंगल ए ओ बी, भाई ये 90, ये 90 और ये 80, तो ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना बच गया, 360 माइनस 260, एंगल ए ओ बी की वैल्यू आपके पास आ गई कितने डिग्री, 100 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट के बारे में कैसे बताओगे, तो देखो फर्स्ट वाले पार्ट के बारे में कैसे बताएंगे, भाई तुम्हें ये दो ट्रायंगल दिख रही है, तो इन ट्रायंगल एक का नाम है पी ओ बी एंड ट्रायंगल, दूसरी का नाम है पी ओ ए, दो ट्रायंगल थी फिगर में। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में भाई पी से बी इज इक्वल टू पी से ए, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ है जो कि इक्वल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आपको पता चल गया, बी ओ इज इक्वल टू ए ओ, रेडियस है नहीं है, रेडियस ऑफ सर्कल। और तीसरी चीज़ क्या हो गई, पी ओ और पी ओ कॉमन पॉइंट हो गया, नहीं हो गया, ये आ गया कॉमन, और ये तीन चीज़ें हो गई, तो अपन कह सकते हैं ट्रायंगल पी ओ बी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी ओ ए, कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड, और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सी पी सी टी से एंगल पी ओ, एंगल पी ओ बी इक्वल होगा एंगल पी ओ ए किस से, सी पी सी टी से, और अगर ये सी पी सी टी से इक्वल होगा, सी पी सी टी से क्या होगा, इक्वल होगा, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि जो मेरे पास एंगल है, एंगल कौन सा, एंगल पी, जो मेरे पास एंगल है एंगल बी ओ ए, ठीक है, या ए ओ बी एक ही बात है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एंगल पी ओ बी प्लस एंगल पी ओ ए, और जब ये दोनों इक्वल है तो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एंगल पी ओ ए, ये आपके पास 100 डिग्री आपने सोल्व आउट किया था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 50 डिग्री, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि आपको कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रा एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल,
कहता है कि जो डायमीटर के सर्कल से दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना वो पैरेलल होगा। तो देखो सबसे पहले तो इसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा। ये मेरे पास सर्कल हो गया जिसका सेंटर है ओ, और ए से बी इसका क्या हो गया डायमीटर ऑफ सर्कल। अब कहता है इस सर्कल के डायमीटर से दो टेंजेंट डाल दिए, एक टेंजेंट का नाम मैंने रख लिया पी एंड क्यू और दूसरे टेंजेंट का नाम मैंने क्या रख लिया, दूसरे टेंजेंट का नाम मैंने रख लिया ये तो पी क्यू हो गया, दूसरे का नाम मैंने रख लिया क्या हो गया मेरे पास आर और एस। ठीक है, तो देखो इसका आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट एक दूसरे क्या होगी पैरेलल। तो देखो सॉल्यूशन क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसमें क्या हो गया भाई, मेरे पास पता है ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी तो भाई सर्कल का क्या है डायमीटर है विद सेंटर ओ, भाई सेंटर क्या हो गया ओ हो गया। ठीक है, और क्या हो गया पी क्यू एंड आर एस आर टू टेंजेंट ऑफ सर्कल पास फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से पास होने वाले दो सर्कल के क्या हो गए भाई, दो सर्कल के आपको क्या हो गई ये दो टेंजेंट हो गए। तो आपको क्या करना है टू प्रूफ, तो प्रूफ क्या करोगे टू प्रूफ, प्रूफ आपको करना है पी क्यू भाई तू पैरेलल है किसके आर एस के। तो देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे भाई, प्रूफ क्या हो गया प्रूफ करोगे तो देखो सबसे पहले आपको ये पता है कि जो ये मेरा ओ ए है ओ ए, ठीक है ये परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे ऐसे ही, दूसरी चीज और ओ बी परपेंडिकुलर होगा मेरा किस पे आर एस पे। ठीक है, होगा क्यों होगा भाई, रीजन आपको पता है क्या रीजन होता था, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपको मालूम है, मालूम है तो मैं ये क्या कह सकता हूँ एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी एस बोथ 90 डिग्री, कौन सा एंगल ओ ए बी भाई ये वाला एंगल एक और दूसरा वाला एंगल एंगल बी ओ बी एस, ये एंगल दोनों, ये दोनों के दोनों क्या होंगे 90 डिग्री होंगी। ठीक है, और दूसरा दूसरा कि भाई आपको पता है देखो ए बी क्या है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और दो लाइनों से निकल रही है, तो इसका मतलब ये कैसा एंगल हो गया कि आपके पास अल्टरनेट इंटीरियल एंगल भी हो गया, और ऑल्सो मैं क्या कह सकता हूँ एंगल ओ ए पी एंड एंगल ओ बी एस आर इक्वल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होगी पैरेलल, तो देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, और ये आपको क्या करना था प्रूफ करना। देखो क्वेश्चन फाइव क्या कहता है, क्वेश्चन फाइव कहता है प्रूव द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। देखो भाई आपको प्रूफ करना है जो परपेंडिकुलर होता है ना, ठीक है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ, ठीक है वो सर्कल के हमेशा कहाँ से पास आउट होता है सेंटर से। तो देखो क्या है भाई, मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि भाई ये मेरे पास एक क्या हो गया गिवन है कि ये मेरे पास सर्कल हो गया जिसका सेंटर क्या है ओ, ठीक है ओ हो गया और मैंने यहाँ से ले लिया एक टेंजेंट जिसका नाम मैं क्या ले लेता हूँ ए से बी, ए से बी मेरे पास किसका काम कर रहा है टेंजेंट का जिसपे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है पी, ठीक है और आपको क्या कह रहे हैं भाई, आपको टच एट द सर्कल पी टू प्रूफ करना, आपको जो परपेंडिकुलर है, ठीक है जैसे कि ये परपेंडिकुलर है ये ऑलवेज कहाँ से पास आउट हो रहा है सेंटर ऑफ सर्कल से। तो देखो गिवन क्या है, गिवन तो क्या है भाई, गिवन है ये सर्कल क्या है अपने पास एक सर्कल है विद सेंटर
होगा। एक सर्कल है सेंटर ओ से, ए बी इज टेंजेंट ऑफ सर्कल, ए बी क्या है टेंजेंट है सर्कल का, एंड पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पी क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करोगे कि परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पी पासिस थॉट सेंटर, सेंटर क्या है आपका ओ। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे भाई, मैंने प्रूफ के लिए क्या किया, मैंने कोई प्रूफ के लिए ना एक यहाँ से कोई एक और पॉइंट डाल दिया जिसका नाम क्या है एम, और मैंने क्या कर लिया प्रूफ में भाई, मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि जो ये मेरे पास क्या है एम पी बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो मैंने क्या किया प्रूफ में कि एंगल एम पी बी कितने डिग्री का मान लिया मैंने, ये 90 डिग्री का फर्स्ट आ गया, ठीक है। और आपको ये पता है कि जो भाई ओ पी परपेंडिकुलर ए बी होगा, नहीं होगा, क्यों होगा, वही थ्योरम थी आपके पास, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक। इसका मतलब ये भी होगा कि जो एंगल है अपने पास कौन सा ओ पी बी, वो भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ये सेकेंड आ गई। तो मैं क्या कह सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से कह सकता हूँ एंगल एम पी बी इज इक्वल टू होगा एंगल ओ पी बी, होगा नहीं होगा, ठीक है, होगा। बट कभी आपने ऐसा देखा है कि भाई मान लो ये एक मेरे पास लाइन हो गई, ठीक है, यहाँ से तुमने एक परपेंडिकुलर डाल रखा है ये 90 डिग्री हो, और ये मैंने एक दूसरा परपेंडिकुलर यहाँ से भी डाल दिया कि ये भी 90 होगा, ऐसा पॉसिबल है, नहीं होगा, क्योंकि ये वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा इस वाले एंगल से। बट आपको पता है क्या, जो एंगल है कौन सा एम पी बी भाई, वो क्या है, छोटा होगा ओ पी बी से, ठीक है। बट अपने पास तो क्या आया, 90 डिग्री आया, यही आया था ना 90 डिग्री, तो ये इससे छोटा होगा। अगर ये इससे छोटा होगा, बट अपने पास क्या है, अपने पास तो दोनों बराबर है, बट अपने पास क्या है भाई, बट अपने पास तो क्या है, देयरफॉर एम पी बी बराबर है ओ पी बी, ये तो अपने पास बराबर है। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब ये एम पॉइंट किस पे ही हो, ओ पे, मतलब एम कोई अलग पॉइंट नहीं है, ये ओ पे ही है, सेंटर के साथ ही है। तो ये कब पॉसिबल है, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ओ पी एंड ओ एम आर क्या करे, कॉन्सिडेंट्स करे, कॉन्सिडेंट्स करे, क्या करे, ओनली पॉसिबल वैन ओ पी एंड ओ एम आर क्या करें एक दूसरे को, कौन सी पॉइंट्स, कि भाई दोनों एक ही पॉइंट्स पे हैं। एक ही पॉइंट पे तो मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, फिर मैं कह सकता हूँ देयरफॉर क्या भाई ओ पी परपेंडिकुलर है किस पे, ए पी पर। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये जो पांच क्वेश्चन थे जो अपन ने इस वीडियो में कवर किए, नेक्स्ट में अपन इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन कवर करेंगे।